अगर आप एक सिंपल मेथड से और बिना किसी स्किल के ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए। यानी इसमें मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताऊंगा जिसको आप यूज करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप एक महीना ये काम करते हैं ना कंसिस्टेंसी के साथ, और आप वाकई प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर काम इस इंटरनेट के ऊपर है ही नहीं। काम बड़ा ही सिंपल है, आपके पास अगर कंप्यूटर है, लैपटॉप भी है ना, या फिर मोबाइल भी है, तो इवन आप उससे कर सकते हैं, और आप इससे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं अगर थोड़ी सी आप मेहनत करते हैं। कोई टोटका नहीं है, एक जेन्युइन बिजनेस है जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छा, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस तरह की मुख्तलिफ ऑनलाइन अर्निंग, अफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, इसके ऊपर बनाते रहते हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बड़ा ही जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही सिंपल बिजनेस मॉडल शेयर करने वाला हूं जिसको आप कर सकते हैं 20 दिन या 30 दिन ही आप अगर इसे मेहनत से करते हैं ना, जो मैं स्टेप्स बताता हूं आप कर लेते हैं, तो आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, ये गारंटी है। अच्छा, अब ज्यादा बहस नहीं करते और सीधा मौजू पे आते हैं। अच्छा, ये काम है प्रिंट ऑन डिमांड। जी हाँ, टीस्प्रिंग एक वेबसाइट है। प्रिंट ऑन डिमांड क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, यानी डिमांड होगी तो प्रिंट करेंगे, ये है प्रिंट ऑन डिमांड। यानी अब एक वेबसाइट है टीस्प्रिंग। अब इसका काम क्या है, इनके अपने वेयर हाउसेज हैं और वहां पे इन्होंने शर्ट्स, टोपियां और बैग्स वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, सामान वहां पे इनका पड़ा हुआ है। ये हमें क्या कहते हैं कि आप उनके ऊपर प्रिंट करने वाला डिजाइन सिर्फ हमें दे दो, और हम इन्हें दे देते हैं कि ये इस टी शर्ट के लिए हमने डिजाइन बनाया, तो ये उस टी शर्ट के ऊपर एक मॉकअप बना के अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा देते हैं। जब भी बंदा कोई ऑर्डर करता है तो ये अपने वेयर हाउस से वो शर्ट लेते हैं, उसके ऊपर हमारा डिजाइन प्रिंट करते हैं और कस्टमर को भेज देते हैं, दैट्स इट। और हमें कमीशन एक मिल जाता है अच्छा खासा। यानी हमें पैसे क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि डिजाइन हमने दिया है। इनके पास व्हाइट चिट्टी शर्ट है पूरी, उसके ऊपर एक डिजाइन हमने बना के, डिजाइन बिल्कुल सिंपल, यानी आप 5 मिनट में बना सकते हैं, वो सब बताऊंगा इस वीडियो में। आपने टीस्प्रिंग को डिजाइन देना है और कस्टमर जब भी ऑर्डर प्लेस करेगा, ये उस प्रोडक्ट के ऊपर वो डिजाइन प्रिंट करके कस्टमर को शिप कर देंगे। आपने ना इन्वेंटरी हैंडल करनी है, ना आपने को कस्टमर सपोर्ट करनी है, ना आपको कोई वेयर हाउस चाहिए। आप जहां भी बैठे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, आप वहां से ये काम कर सकते हैं। तो यहां मैं आता हूं टीस्प्रिंग के ऊपर। मैंने अपना अकाउंट बना लिया teespring.com, यहाँ URL देख लें या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, उस पर क्लिक करें, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, वैसे जैसे फेसबुक का करते हैं, इंस्टाग्राम का करते हैं। तो आपने अपनी ईमेल देनी है, पासवर्ड देना है और अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन कर लेना है, कोई वेरिफिकेशन कुछ नहीं है। अपना जैसे ही अकाउंट बना लेंगे, अपनी ईमेल को वेरीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पे अब आपने आना है और तो ये क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के डिजाइन सिर्फ आपने देना है, कोई प्रोडक्ट नहीं बनानी, लिस्टिंग आपकी ये कर देते हैं टीस्प्रिंग वाले। तो आपने बस इनको डिजाइन देना, जब कस्टमर ऑर्डर करेगा तो ये इस डिजाइन को उस प्रोडक्ट के ऊपर जिसका ऑर्डर होगा प्रिंट करके कस्टमर को शिप कर देंगे। सारा कुछ इन्होंने करना है, आपने कुछ नहीं करना। यहाँ पे नीचे आते हैं, अब आप मुख्तलिफ हुडीज बना सकते हैं। ये हुडी के ऊपर जैसे डिजाइन हुआ है ये आपने करके देना है, ये मग के ऊपर डिजाइन है ये आपने करके देना है, ये टी शर्ट के ऊपर डिजाइन है ये आपने करके देना है, ये कैप्स खाली पड़ी हुई हैं। तो आप लेट से टी शर्ट डिजाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। जैसे मैं एटसी के ऊपर आता हूँ और मैं यहाँ पे टी शर्ट सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे रिजल्ट्स लोगों के देखें आप। अब ये देखें, सिंपल सा एक फैमिली वेकेशन 2023 का डिजाइन है, शुरू हुए तो अभी कुछ ही महीने हुए हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसकी सेल जरा चेक करें आप, कितनी सेल हो चुकी है, $9 की ये प्रोडक्ट है। ये सिर्फ डिजाइन जो है वो ये हमें बनाना होता है, सिंपल सा टी शर्ट होती है टीस्प्रिंग वालों की। सेल्स देखें इनकी, 1,03,975 आइटम्स ये यूनिट सेल कर चुका है, और सोचें आप जिसकी ये प्रोडक्ट है उसे कितना कमीशन मिला होगा, कितना प्रॉफिट उसने यहाँ से जनरेट किया है। तो वही अभी हम बनाने वाले हैं। अब लेट से मैं यहाँ पे आता हूँ अपने टीस्प्रिंग के अकाउंट के अंदर, और यहाँ पे क्रिएट लिस्टिंग के ऊपर मैंने क्लिक किया, क्रिएट के ऊपर यहाँ पे आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, ये टी शर्ट है, इसका कलर यहाँ से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने ग्रे किया, ब्लैक किया, कुछ भी आप कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें अब डिजाइन देना है, तो एड टेक्स्ट, इसके ऊपर आपने कोई भी कोड लिख देना है। आप इसके डिजाइन अब अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। अब जैसे ये मेरी टी शर्ट है, इसके ऊपर ये कुछ लिखा हो, ये कुछ डिजाइन वगैरह बने हुए हैं, तो ये आपने करना होता है। यानी कोई कोट लिख सकते हैं आप, कोई सेइंग लिख सकते हैं, ये आपने लिखनी है और उसे पब्लिश कर देना है टीस्प्रिंग के ऊपर। आगे सेल्स कैसे आएंगी वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे अब लेट से मैंने लिख दिया, अब मैंने लेट से ये लिख दिया, ईगल्स डोंट चेज पिजन्स, ये एक बड़ी मशहूर किस्म की लाइन है, तो इसको मैंने लेट से यहाँ से बड़ा कर दिया। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से बोल्ड भी कर देते हैं, एंड दैट्स इट। और मैंने कुछ भी नहीं किया, इसका कलर मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ जी, वाइट, ये वाइट कलर, ये लें जी, डिजाइन तैयार है। प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। अब ये लेट से मैंने एक बनाया, वापस डिजाइन में जाते हैं, मैं एंड में एक डॉट डाल देता हूँ, दैट्स इट। प्रीव्यू में करते हैं, अब ये हमने डिजाइन बनाया, ये वाइट के ऊपर देखें, यहाँ वाइट के अंदर मैं आता हूँ, तो वाइट में हमें ब्लैक चाहिए होगा, तो मैं वाइट कलर को यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ,
डार्क कलर्स को ही मैं यहाँ से प्रेफर करूंगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये कुछ डार्क कलर्स मैंने पिक कर लिए। ये कलर्स हमारी शर्ट के अंदर अवेलेबल होंगे, यहाँ पे देखें ये सारे कलर्स अवेलेबल हैं। डिफॉल्ट जो है वो ये ब्लैक होगा, प्रीव्यू करें एंड ये देखें। लेकिन ऑफ कोर्स आपने प्रोडक्ट को सेल करवाना है, मतलब आपका मकसद ये है कि लोग इसको बाय करें। कोई अच्छा सा डिज़ाइन आपने बनाना था, कोई अच्छी सी सेइंग, कोई अच्छे से फॉन्ट्स के अंदर लिखना होता है, जैसे वो पहले मैंने एटसी वाली आपको दिखाई। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, $21, इसमें प्रॉफिट कितना है, $5। एक सेल अगर आप करवाएंगे तो $5 आपके, ना कोई आपने इन्वेंट्री करनी है, कुछ नहीं, आपने बस ये ऊपर डिज़ाइन दिया, टेक्स्ट दिया। एडवांस में जाएंगे, कुछ भी नहीं, यहाँ पे डिफॉल्ट फीचर्ड शर्ट्स वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करें, ये आपने एक शर्ट किया है, आप यहाँ से मुख्तलिफ और आइटम्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये भी ऐड हो जाए, ये भी ऐड हो जाए, ये हुडी जो है ये भी ऐड हो जाए, ये शर्ट भी मैं ऐड करना चाहता हूँ, दैट्स इट। ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने ऐड कर लिए। आप इन सारों के ऊपर कोई भी बंदा ऑर्डर प्लेस कर सकता है, हमारा कस्टमर, और जैसे ही वो प्लेस करेगा तो ये टेक्स्ट प्रिंट करके टीस्प्रिंग वाले उसे भेज देंगे। हमारा कोई भी नहीं काम हुआ, हमने कुछ भी नहीं किया। अब मैं यहाँ पे जनाब कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, ये देखें हमारी शर्ट्स बिल्कुल रेडी हैं, प्रोडक्ट्स रेडी हैं बिकने के लिए। यहाँ पे टाइटल देना है, टाइटल कहाँ से लेंगे, या फिर आप आ जाएं चैट जीपीटी के अंदर। यहाँ से मैं इसको GPT-4 करता हूँ, मैं क्योंकि प्रीमियम यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आके इसे लिखता हूँ। ये मैंने इसे लिख दिया कि राइट मी सम टाइटल्स फॉर माय टी शर्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग। मैंने इसे एंटर किया और ये लें जी, इसने धनाधन छापना शुरू कर दिया यहाँ पे मेरे। देखें आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि उस टी शर्ट के ऊपर मैंने ये कोट लिखा हुआ है, तो ये उस कोट के हिसाब से आपको टाइटल बना के देगा। अब लेट्स से मुझे ये जो है वो टाइटल पसंद है, इसे मैं कॉपी करता हूँ, टी स्प्रिंग के ऊपर आता हूँ, टाइटल अपना पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे छोटे टाइटल ही अलाउड होते हैं, तो मैं ये वाला शुरू वाला काट देता हूँ यहाँ से। ये लें जी टाइटल रेडी हो गया, डिस्क्रिप्शन चाहिए छोटी सी। अब मैंने ये इसे प्रॉम्प्ट दिया कि राइट मी अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर माय टी शर्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग फीचरिंग कोट ईगल्स डोंट चेज पिजन्स, कि मेरी एक टी शर्ट की प्रोडक्ट है उसके लिए मुझे डिस्क्रिप्शन लिख के दो। और उस टी शर्ट के ऊपर खास बात क्या है कि मेरा उसके ऊपर एक कोट लिखा हुआ है, ईगल्स डोंट चेज पिजन। मैं एंटर करता हूँ, अब ये उसके लिए मुझे एक जबरदस्त प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बना के देगा। आपने कख नहीं लिखा, सारा कुछ आप चैट जीपीटी से ले रहे हैं। ये लें जी हमारी डिस्क्रिप्शन रेडी हो चुकी है, यहाँ पे इसने जबरदस्त डिस्क्रिप्शन लिखी है, आप जितनी चाहें उस यहाँ से कॉपी करें। आप आ जाएं टी स्प्रिंग के अंदर, यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दें, लॉन्च लिस्टिंग पे आपने क्लिक कर देना जी। लॉन्च लिस्टिंग आपने जैसे की, ये लें जी आपकी लिस्टिंग पब्लिश हो चुकी है, टी स्प्रिंग के ऊपर आपकी प्रोडक्ट लग गई। कांग्रेचुलेशंस, आपकी शर्ट जो है वो बिल्कुल रेडी है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ व्यू लिस्टिंग, या आप शेयर यूआरएल करेंगे तो आपका लिंक कॉपी हो जाएगा। और इस लिंक को मैं जरा यहाँ खोल के आपको दिखा भी देता हूँ। इस पे मैं गया एंड ये लें जी, ये हमारा प्रोडक्ट है। इसके कलर्स अवेलेबल कौन कौन से हैं, ये ग्रे कलर अवेलेबल है और ब्लैक कलर अवेलेबल है। नीचे देखें तो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हमने ऐड की थी वो भी यहाँ पे आ चुकी हैं। साइज हर अवेलेबल है, एड टू कार्ट यूजर कर सकता है। ये प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी है, ये इसका लिंक है, इस लिंक के ऊपर आपने प्रमोशन करनी है सारी। और ऑर्गेनिक सेल्स भी आपको आती हैं टी स्प्रिंग में, जब ऑर्गेनिकली आपकी प्रोडक्ट रैंक होती है तो भी आपको उससे सेल्स जनरेट होती है ऑटोमेटिकली, यानी आपने कोई प्रमोशन ही नहीं की फिर भी आपको सेल आएगी। लिस्टिंग हमने कर दी, डिस्क्रिप्शन हमने चैट जीपीटी से ले ली, शर्ट हमारी रेडी है। जब भी कोई कस्टमर आके यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेगा तो टी स्प्रिंग उस ऑर्डर को फुलफिल कर देगा, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये बस टेक्स्ट लिखने के और डिजाइन बनाने के पैसे मिल जाएंगे। तो भाई ये बिजनेस मॉडल अगर आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक दबा दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप अप्रिशिएट करते हैं इसको और आप करना चाहते हैं। ये तो था हमारा पूरा बिजनेस मॉडल। अब मैं जरा डीप जाता हूँ और आपको और कुछ मजे मजे की चीजें बताता हूँ। अब ऑफ कोर्स ये कुछ हमने सिर्फ सिंपल टेक्स्ट लिखा था, अब इसे ब्यूटीफुल कैसे बनाएं, हम अपना जबरदस्त डिजाइन कैसे बनाएं, डिजाइन बनाने के और कौन कौन से आइडियाज हैं। 5 मिनट के अंदर आप एक हाई क्वालिटी डिजाइन भी बना सकते हैं, अब वो मैं कुछ आइडियाज आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो आइडिया वो ये है कि आप कैनवा के अंदर बनाएं, कैनवा अकाउंट आपके पास होगा। मैं जी आ गया हूँ यहाँ पे कैनवा के अंदर और यहाँ पे इसकी सर्च में मैं लिख देता हूँ टी शर्ट डिजाइन। ये लें जी मैंने टी शर्ट डिजाइन सर्च किया और ये मेरे पास आ गया। यहाँ पे देखें बहुत जबरदस्त चीजें हैं। अब जैसे पुश योर सेल्फ, ये अब लोग पसंद कर सकते हैं, मेरी टी शर्ट के ऊपर लिखा हो पुश योर सेल्फ। तो सिंपल चीजें होती हैं यार, ये सिंपल चीजें आप अगर बना के देते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है, आपको सेल बिल्कुल आएगी और गोरे ये पसंद करते हैं। आपने अपनी लिस्टिंग की शेयरिंग करके ज्यादा सेल्स कैसे ले आनी है वो भी एंड में बताऊंगा, तो लास्ट तक आपने देखना है। और ये अब डैड की एक इमोशनल किस्म की एक है, तो ये भी लोग लेना पसंद करेंगे, जो टीनेजर्स हैं या लड़के जो, वो ये शर्ट लेना पसंद करेंगे। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, लेट्स से इसी को कस्टमाइज कर लेते हैं और मैं जरा इस शर्ट को कस्टमाइज करके आपको बताता हूँ। एक तो आप इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करें, ये एलिमेंट जो है वो ये आप डिलीट करें, आप यहाँ पे अपना एलिमेंट लगा सकते हैं, बाकी ये यही रहने दें। अब एक और आइडिया यहाँ से मुझे आ रहा है
कि मैं जनाब जाऊं मिड जर्नी के ऊपर और वहां पे जाके मैं अपना एक यूनिक इमेज जनरेट करके यहां पे ऐड कर सकता हूं। मैं आ गया मिड जर्नी के ऊपर, मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया इमेजिन, और मैं यहां पे मिड जर्नी को प्रॉम्प्ट देता हूं। मिड जर्नी क्या है, इसमें आप कुछ भी देते हो, ये आपको सर रिलेवेंट एक यूनिक इमेज बना के देता है। इसके ऊपर रिसेंट मेरी एक वीडियो आई है, वो आप जरूर देखें, यहां क्लिक करके मिड जर्नी के बारे में आप सीख जाएंगे। यहां मैं इसे कह रहा हूं कि क्रिएट अ पोर्ट्रेट विद अ डैड हग्स हिज सन, आगे कॉमा डाल के मैं लिख देता हूं व्हाइट बैकग्राउंड, मैं यहां पे आगे रियलिस्टिक भी लिख देता हूं, आगे 4K भी लिख देता हूं, और एस्पेक्ट रेशियो जो है वो मुझे चाहिए, तो मैं यहां पे डैश डैश AR लिख के आगे एस्पेक्ट रेशियो दे देता हूं 2:3 का। एंटर करते हैं, ये प्रॉम्प्ट मैंने उसे दिया, ये लें जी, नॉट बैड, मुझे ये अच्छा लगा। मैं इसको क्लिक करता हूं, देखें ये इमेज हमें मिला है यहाँ से, इसको भी हम उसके ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। लेट से मुझे ये फर्स्ट ऑप्शन अच्छा लगा, ये सेकंड ऑप्शन, लेट से मैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाता हूँ, मैं U1 करता हूँ, इसका मतलब होता है कि फर्स्ट वाला जो है उसको अपस्केल कर दो। ये लें इमेज आ गई, इसको क्लिक करें, मैं इसे सेव कर लेता हूँ अपने पास। यहाँ पे मैं आता हूँ कैनवा के अंदर और यहाँ से अपलोड पे क्लिक करते हैं, अपलोड, मैंने अपनी वही पिक जो मैंने वहां से अभी डाउनलोड किया उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, एलिमेंट्स में आऊंगा और यहाँ से मैं कोई एक शेप लेता हूँ जिसके अंदर मैं उसे एम्बेड करूंगा, वैसे ही मैं उसे नहीं रखूंगा ताकि थोड़ा अच्छा भी लगे ना। लेट से मैं ये कर देता हूँ, इस शेप को मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, अपलोड्स में जाता हूँ, जो मैंने इमेज अपलोड किया है उसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ यहाँ से, ये लेट से मैंने कर दिया। और अब देखें जी, ये पिक्चर मुझे अच्छी खासी सही लग रही है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे नीचे रख देता हूँ। डिज़ाइन ये हमारा बन गया है शर्ट का, इसको मैं बड़ा करता हूँ। अब देखें, मैंने ये एक सिंपल सी कमांड दी तो मुझे ये डिज़ाइन मिला। आप इसमें मजीद ऐड करें कि वो दूर बैठे हों ताकि चेहरा क्लियर ना हो, क्योंकि अगर किसी का चेहरा क्लियर होता ना तो वो फीलिंग फिर नहीं आती उस इमेज के अंदर। अब जैसे ये है तो इसमें फील आ रहा है, थोड़ा इमोशनल लग रहा है, यहाँ पे इनके चेहरे क्लियर हैं तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो आप इसमें मजीद डिटेल कमांड दे सकते हैं कि आप ये करके मुझे इमेज दो इस तरह से, थोड़ा दूर का एंगल हो ताकि अच्छे लगे। बाकी ये मेरी रेडी है, मैं इसको यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और हाई क्वालिटी में इसे मैं डाउनलोड कर लूंगा। थोड़ा मजीद इसका बढ़ा देता हूँ, रेजोल्यूशन, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड एंड डाउनलोड। वापस मैं टीस्प्रिंग में आता हूँ, यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट, और इस बार हम दोबारा से एक और लिस्टिंग करते हैं और मैं दिखाता हूँ मुख्तलिफ डिज़ाइन अच्छे अच्छे आपने बना के, मिड जर्नी से आप बनाएं, कैनवा से बनाएं, इलस्ट्रेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज आप तू समझा नहीं वैसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप की जहां मर्जी आप करना चाहें। बाकी इलस्ट्रेटर आपके पास अगर हो तो उसमें आप मजीद अच्छे डिजाइन बना सकते हैं, आप मुख्तलिफ इलस्ट्रेशन वहां पे बना के और टीस्प्रिंग में अपनी टी शर्ट्स को पब्लिश कर सकते हैं, बैग्स को करें, टोपियां जो होती हैं उनको करें, मुख्तलिफ आइटम्स, यहाँ मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ पे देखें मग डिजाइन भी आप बना सकते हैं, कैनवा बनाएं, आप मिड जर्नी पे बनाएं, मिड जर्नी का इमेज यूनिक होता है, कहीं और एग्जिस्ट नहीं करता होता, तो आप अपना उसे इमेज दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं टी शर्ट बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आ गए, टी शर्ट के अंदर मैं कलर्स अब पिक करूंगा, चले पहले ऐड इमेज पे क्लिक करता हूँ और वो अपनी इमेज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये लें जी, वो डैड एंड सन की इमेज मैंने यहाँ पे ऐड की एंड यहाँ पे सेंटर में मैं इसे रखूँगा। ये डिज़ाइन बड़ा ज़बरदस्त बना, वैसे बुरा नहीं बना, और मैं यहाँ पे इसके कलर्स वगैरह ज़रा सेट कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से ग्रे के ऊपर अच्छा लगेगा, प्रीव्यू करते हैं और देखते हैं कि हमारी शर्ट कैसी रही। ये देखें जी, ज़बरदस्त है। अब ये डिज़ाइन मैं पब्लिश कर सकता हूँ, इसका टाइटल दूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन दूँ। अव्वल तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ग्रे कलर रखूँ और वाइट, बाकी सब को मैं यहाँ से डिसेबल कर दूँ, क्योंकि बाकी ब्लैक के ऊपर ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि डैड का कलर भी ब्लैक टाइप ही है और पीछे शर्ट भी ब्लैक तो नज़र नहीं आएगा। इस लिस्टिंग को मैं सिर्फ वाइट के लिए रखूँगा और ग्रे के लिए, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी अगर आप ब्लैक के लिए भी करना चाहते हैं तो कैनवा में जाएँ, अपने ये जो डैड लिखा हुआ है इसका कलर जो है वाइट कर दें, तो फिर आप ब्लैक शर्ट्स के ऊपर भी लगा सकते हैं और उनको भी सेल कर सकते हैं। कंटिन्यू करोगे तो आपकी लिस्टिंग जो है वो पब्लिश हो जाएगी। टीस्प्रिंग के अंदर आते हैं, पेआउट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेटिंग्स के अंदर आप पेआउट्स के बारे में थोड़ा आपको बता दूं, जब आपके यहाँ पे कुछ सेल्स आना शुरू हो जाती हैं, पैसे आ जाते हैं, तो आप यहाँ पे अपनी ईमेल एंटर करें पेपैल की, और यहाँ पर भी आपने कंफर्म करना है। यहाँ नीचे आते हैं तो पेयोनीर भी आप अटैच कर सकते हैं, बट फंड्स अवेलेबल होंगे तो पेयोनीर अटैच कर पाएंगे, पेयोनीर में पेपाल में आपके पैसे आ जाते हैं। अब आप अगर अच्छे डिजाइन बना के पब्लिश करते हैं तो आप क्या करें, आप सोशल मीडिया के ऊपर शेयरिंग करें। ऑर्गेनिक जाना चाहते हैं टीस्प्रिंग के अंदर तो ऑर्गेनिकली ज़्यादा थोड़ा टाइम लगेगा रैंकिंग्स में, ताकि ये आपकी जो शर्ट्स हैं वो बिकनी शुरू हो जाएं, या जो भी प्रोडक्ट्स आपने टीस्प्रिंग के ऊपर लिस्ट किए हैं प्रिंट ऑन डिमांड के ऊपर, यानी यूजर की डिमांड आएगी, कोई ऑर्डर आएगा तो ये प्रिंट करके उसे भेज देंगे, आपने कुछ भी नहीं करना ऊपर का, बस
सा आपने डिजाइन देना है, दैट्स इट। तो ज्यादा सेल्स लेने के लिए आप इसे पिंटरेस्ट के ऊपर शेयर करें अपनी लिस्टिंग को, मजीद कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखे, टेक्स्ट कहाँ से लेना है चैट जीपीटी से जनरेट करें, मुझे डिस्क्रिप्शन दो, कैप्शन दो, ताकि मैं इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करूं, मैं पिंटरेस्ट के ऊपर करूं, मैं ट्विटर को यूज करूं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप अपने शेयरिंग करें। आपका जो भी स्टोर होगा टीस्प्रिंग का, उसके नाम से पेजेस बनाएं मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर, वहां पे शेयरिंग करें। बाकी शिपिंग हैंडलिंग सारा जो है वो ये टीस्प्रिंग वाले करेंगे, आपको कमीशन आपका मिल जाएगा। बाकी एक तो हो गया ये मेथड प्रमोशन का, और आप कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर एड चलाएं। टीस्प्रिंग के अंदर पूरा एक मेथड है कि फेसबुक पिक्सल भी आप लगा सकते हैं और फेसबुक एड्स के थ्रू भी आप सेल्स वगैरह ले सकते हैं। ये बड़ा ही जबरदस्त मेथड है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि इसको प्रमोट कैसे करेंगे एड्स के थ्रू, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा फेसबुक एड्स के ऊपर कैसे रन करते हैं और अपनी इस लिस्टिंग के ऊपर कैसे रन करेंगे। तो हम रन भी करेंगे और रिजल्ट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक बिजनेस मॉडल था जो मैंने चाह के कम से कम टाइम के अंदर, अब इससे कम टाइम मैं नहीं ले सकता था, हर एक मेरा दिल है और कुछ चीजें शेयर करने को, लेकिन अभी वीडियो काफी लंबी हो रही है तो यहाँ पे बस करते हैं। बाकी आपके रिस्पॉन्स को देख के हम आगे इसके ऊपर वीडियोज बनाएंगे। तो प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस बड़ा ही जबरदस्त है, आप इसको करें, जरूर करें। टीस्प्रिंग के ऊपर जाएं, अपना अकाउंट बनाएं, अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट करें और उनको सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट करके सेल्स लें। ये बड़े ही कमाल का पैसिव इनकम का सोर्स जो है वो आपका बन सकता है। बाकी अगर आपका बजट ज्यादा है तो उनके ऊपर एड्स चलाएं, गूगल एड्स भी चला सकते हैं, फेसबुक एड्स भी, ताकि आपको ज्यादा सेल्स जनरेट हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। हम इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके लिए आते रहते हैं, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।